किसने क्या हु? तुम अच्छे हो, तुम आगे बैठो। ऐसे सेट में ना मैं पीछे वाले लड़कों को बोल देता हूँ कि अपने हाथ ऊपर रखना, ऐसे कुछ नहीं करना पीछे, किसी को लगेगा छीका है। समझ रहे हो? तो ना पॉर्न देखा है, पॉर्न कितनी इनोसेंट चीज़ है। मैं सोचता हूँ अगर मतलब इंडिया में हर चीज़ की डबिंग हो रही है ना, इंग्लिश टू हिंदी, सोचो अगर पॉर्न की डबिंग हो तो क्या होगा। क्योंकि ना डबिंग में भी ना एक गेम है। अरे भाई सुना रहा हूँ, 11 बजे तक घर पहुँचना है सबको। तो ना डबिंग में ना एक गेम है, वाइट लोगों की डबिंग एक सेट ऑफ लोग कर रहे हैं, ब्लैक्स की डबिंग एक सेट ऑफ लोग कर रहे हैं। आपके लिए एक गाना है, सब कंप्लीट करेंगे। मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, तो ना डबिंग में गेम है, व्हाइट की डबिंग एक सेट ऑफ लोग कर रहे हैं, ब्लैक की डबिंग एक सेट ऑफ लोग कर रहे हैं। हैरी पॉटर देखिए हिंदी में, उसमें स्नेप की एंट्री होती है, कोई फिजूल की जादूगरी नहीं होगी मेरी इस क्लास में, मैं सिखा सकता हूं किसी को वश में करना, होश गुम कर देना, मौत का गला घोंट देना, भारीपन है, भारीपन है। ब्लैक सी में इतना एफर्ट देते नहीं है, ब्लैक सी में कोई मुंबई का आके से डबिंग कर रहा है, क्या रे बिटू कैसे चल रहा है तेरा। परसूट ऑफ हैप्पीनेस के एंड में विल स्मिथ जॉब लेता है, इतना अच्छा सीन है। उसकी डबिंग ऐसी होती है कि वो उनकी लाइफ का सबसे रैप्चिक दिन था बिटू। पॉर्न में एक डिफरेंस है इन इंडियन पॉर्न एंड यूएस पॉर्न। इन इंडियन पॉर्न मैन आर वेयरिंग बनियान सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज कि किसके बूब से फोकस करना है। तो मुझे लगता है ना कि पॉर्न की डबिंग हो तो कैसा होगा, है ना। मतलब एक लड़की है, वो स्कूल से घर आई है, ठीक है, और घर में कुछ थी, उसका घर बड़ा है 2 फ्लोर का, वो मुंबई में नहीं रहती। वो घर आई है, वो ऐसे टीवी ऑन करने जाती है, रिमोट नहीं मिल रहा। स्टेप डैड, मेरा रिमोट कहाँ है स्टेप डैड। स्टेप डैड ऊपर वाले बेड पर सो रहे हैं, उन्होंने भी बनियान नहीं पहनी। वो कहते हैं स्टेप डैड मैं रिमोट नहीं मिल रहा। मुझे लगता है स्टेप डैड की डबिंग करेगा अमरीश पुरी, एंड अमरीश पुरी विल बी लाइक आओ डू नो स्टार्टर मैं रिमोट। उस लड़की को रिमोट तो नहीं मिलता, फायर स्टिक मिल जाती है। एक और पॉइंट होती है उसमें, क्या है ना, एक औरत है वो किचन में ना बर्तन धो रही है और उसका हाथ सिंक में, ये वाली देखी है ना। इतनी अमीर लड़की है तो भैंचो मेड रख। नहीं, वो खुद ही हाथ धो रही है, तो उसका हाथ फंस जाता है ना, स्टेपसन मेरा हाथ निकालो। स्टेपसन आता है, उसने बनियान नहीं पहनी। स्टेपसन आता है तो उस दिन ना स्टेपसन को पता चल जाता है कि भैंचो रसोड़े में था कौन। स्टेपसन आता है, मुझे लगता है इसकी डबिंग करेगा मनोज वाजपेयी। वो ऐसे जाके उनके कंधे पे हाथ रखे, वो कब कहाँ पर कहता है कि इतना घबराए काहे रही हो, अभी कोई छुआ नहीं का। एक और पॉन है, ये लास्ट है, ठीक है, इतनी देर मत करना पीछे। तो ये लास्ट इसमें क्या होता है ना कि एक कपल है, वो लगा हुआ है, लड़की जो है वो वाइट है, लड़का जो है ब्लैक है। इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरी, लड़की जो है वाइट है, लड़का जो है ब्लैक है, ठीक है। और उन लोग दे आर डूइंग इट इन द रूम, और अचानक से उनकी माँ जाती है। कट टू नेक्स्ट शॉट, दे आर डूइंग इट। माँ आती है, घर के अंदर घुसती है, चाय बनाती है। कट टू नेक्स्ट शॉट, दे आर स्टिल डूइंग इट। माँ अंदर जाती है कमरे का गेट, जैसे ही खोलती है, माँ बच्ची और बेटे की तीनों की गांड एक साथ फट जाती है। माँ के हाथ में चाय का कप है, उसे फूंक मार रहे हैं। यहाँ पे लड़की उसको देखते हुए बोलती है एकदम, मतलब सन्नाटा और चेहरे पर शर्म लिए लड़की कहती, माँ जी मुझसे गलती हो गई, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, माँ जी गिव्स नो फक। माँ जी अभी भी उसको देख रही है। जो ब्लैक लड़का है वो उनकी तरफ देख के रहता है, क्या रे आंटी कहीं को स्टैचू ऑफ लिबर्टी माँ पे खड़ी हुई है। माँ जी को लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। बेटी बोलती है, माँ जी प्लीज़ कुछ तो बोलिए। माँ जी इसे चाय पे सिप लेती हैं, कहती हैं, जहाँ पटाखा वहाँ हम। तो ना अभी 90s में एक ऐड आती थी, एड्स देखे ना, डिफरेंट एड्स आते थे, तो 90s में एक ऐड आती थी पटाखा चाय की। उस ऐड का मैं प्रिमाइस बताता हूँ। तो उस ऐड में ऐसा हो रहा है कि एक ट्रेन है, स्टेशन है, एक ट्रेन आती है और उसे सब लोग उतर के चाय पी रहे हैं। एक तो पहली बार ट्रेन के अंदर चाय मिलती है, तुम उतर के क्यों पी रहे हो? लोग बाहर आ रहे हैं चाय पी रहे हैं, फिर एक टीटी आता है मोटा सा, सबको बोलता है चलो अंदर चलो, लेट हो रही है ट्रेन, अंदर चलो, आराम से अंदर चल के चाय पी। और एकदम से देखता हूँ उर्मिला मंतोनकर, कहता है, अरे उर्मिला जी आप भी? वो कहती है, जहाँ पटाखा वहाँ हम, जहाँ पटाखा वहाँ हम।
आइसिस वाले चूती हैं। जहाँ पटाखा वहाँ हम इज लाइक, जहाँ नेहा कक्कड़ वहाँ आंसू। जहाँ पटाखा वहाँ हम इज लाइक, जहाँ कॉन्ट्रोवर्सी वहाँ कंगना रन। जहाँ पटाखा वहाँ हम इज लाइक, जहाँ पॉन वहाँ इनकॉग्निटो।